कासगंज में गुरुवार को पिकनिक मनाने आए 8 दोस्त नहाने के दौरान नहर में डूबने लगे। उनको डूबता देख स्थानीय युवक उसे बचाने उतरा तो वो भी डूबने लगा। शोरगुल की आवाज सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से 4 लोगों को बाहर निकाल पाई। अन्य की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटना ततारपुर हजारा नहर की बताई जा रही है। 5 लोगों की डूबने की सूचना मिलने पर डीएम सुधा वर्मा और एसपी अपर्णा रजत कौशिक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। गोताखोर की मदद से प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि 9 बच्चे नहर में नहा रहे थे, जिनमें से 4 को रेस्क्यू कर लिया गया है और 5 के नहर में डूबने की आशंका है। हमारी फ्लड पीएसी की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। स्थानीय गोताखोरों को लगाया गया है। मैं और जिलाधिकारी मौके पर हैं। डूबने वाले सभी बच्चों की उम्र 14 से 22 वर्ष के बीच की है। सभी एटा के रहने वाले हैं और पिकनिक मनाने के लिए यहां पर आए हैं। वहीं इस घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। नहर काफी गहरी बताई जा रही है, इसमें मगरमच्छ भी रहते हैं।